हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आई एम डॉक्टर साक्षी दलाल सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विच इज द बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर नीट एंड दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो सो मैं कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट ऑफ आकाश एज वेल एज एल एन मैं आपको बिल्कुल ऐसे क्लियरली बता सकती हूँ कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर है और किसमें क्या मेरिट्स हैं किसमें क्या डी मेरिट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एट्स वॉक अबाउट कि क्या कोचिंग सेंटर सच में इंपॉर्टेंट है नीट क्लियर करने के लिए सबसे पहले यार देखो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपका सिलेक्शन हो भी नहीं सकता रुक भी नहीं सकता आपने बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास स्कूल के पैसे नहीं होते या फिर जिनके पास प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाते जो भी जिनके पास कोचिंग तक के पैसे नहीं होते बट स्टिल दे आर एबल टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट योर सेल्फ स्टडी लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई ना कोई कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन हो क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला रीजन है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना आपको क्या होता है कि जैसे आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो आपके पास जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपको एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आएगी क्योंकि मेरे जैसे बच्चे मैं घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ सकती मुझे अपने आसपास कॉम्पिटिटर्स उस टाइम पे चाहिए थे कि यार मुझे पता तो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कितना पढ़ रहे हैं तो उससे ना एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आती है तो इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो अंदर की जो आग बोलते ना वो जलती रहती है समझ रहे हो जो आप इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं तो सेकंड रीजन इज कोचिंग सेंटर्स पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं तो आप रियल टाइम उनसे इंटरेक्ट कर सकते so this is also reason so coaching makes your path easy सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो सो अब हम बात करेंगे हर कोचिंग के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एल एन बात करेंगे फैकल्टी की तो एल एन की फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं तो मतलब आज तक जो जितने भी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं उनमें सबसे अच्छी मुझे एल एन के फैकल्टीज लगी थी तो देखो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे एक सिस्टम है कि आपको हर यूनिट कोई अलग टीचर पढ़ाएंगे फॉर एग्जाम्पल आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई और पढ़ा रहा है आपको मॉडर्न फिजिक्स कोई और पढ़ा रहा है तो इसके ना बहुत सारे एडवांटेजेस एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं इसका एडवांटेज

इवन मुझे बताओ ना मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा था कि आपको हर हर चैप्टर एक अलग से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं जो उस चीज के स्पेशलिस्ट हैं ठीक है तो हर चैप्टर के आपका स्पेशलिस्ट टीचर पढ़ाएंगे तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा था लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा है कि आपको पूरे साल एक टीचर से पढ़ना है तो एलन इज नॉट गुड फॉर यू नेक्स्ट इज स्टडी मटेरियल तो एलन का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है वो बहुत ज़्यादा एन बेस्ड है तो एलन का स्टडी मटेरियल मैंने मेरे को याद है मैंने अपने जो सिलेक्शन वाला जो मेरा ईयर था ना उसमें मैंने एलन का स्टडी मटेरियल सोल्व किया था और ये देखो यार स्टडी मटीरियल का मतलब ये नहीं है कि आप उनके मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो मैंने कभी भी कभी भी किसी भी कोचिंग uh, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सोल्व नहीं किया था मतलब uh, पढ़ा नहीं था सोल्व किया था पढ़ा नहीं था मतलब ऐसा नहीं कि मैं चैप्टर्स पढ़ती थी मॉड्यूल में से क्योंकि आजकल आप खुद देख सकते हो कि नीट का ट्रेंड है कि एन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो आपको टोटली totally एनसीआर है तो आपको सिर्फ उस मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सोल्व करने जो पीछे एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं ना आपको सिर्फ उतना ही करना है तो स्टडी मटेरियल का मतलब है कि आपको उसके क्वेश्चन देखने की उस मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर कैसे उसकी थ्योरी पे मत जाओ थ्योरी पे जो आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो आपको नोट्स हैं जो आपकी एनसीआरटी है उस पर स्टिक करो क्वेश्चन के लिए मॉड्यूल उठाओ नेक्स्ट डाउट इज अबाउट द टेस्ट सीरीज देखो टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी टेस्ट आप स्किप मत करना एल के अंदर आपके मेजर टेस्ट होंगे आपके माइनर टेस्ट होंगे तो आपके दोनों तरह के टेस्ट होते हैं जो तो मेजर टेस्ट बहुत टाइम बाद होते हैं माइनर टेस्ट होते रहते हैं और माइनर टेस्ट में आपके रैंक भी निकलती है तो आपका एक बैच होगा जिसमें चार या पांच बैचेज का इकट्ठे ते माइनर टेस्ट में रैंक निकलती है तो टेस्ट सीरीज भी काफी अच्छी होती है उनका uh, और अगर हम लेवल का बात करें कि टेस्ट सीरीज का लेवल क्या होता है तो जो नीट का लेवल होता है ना उसे ऊपर ही लेवल होता है टेस्ट सीरीज okay. का भी तो टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो वेरी गुड नेक्स्ट इज अबाउट द मैनेजमेंट तो एल एन की मैनेजमेंट एज कंपेयर टू अदर कोचिंग सेंटर्स बहुत अच्छी है मैनेजमेंट में जैसे डाउट काउंटर अलग से है क्योंकि वहाँ पे जो आपको ना आ, हर कोचिंग पे मे बी आकाश पी डब्ल्यू आपको अलग से टीचर्स के लिए द, टाइम लेना पड़ता है अपने डाउट लेने के लिए लेकिन एल में आपके पास एक अलग से डाउट काउंटर होता है जहां पे हमेशा टीचर होते हैं तो आप जब भी जाओगे आपके डाउट्स वहां सॉल्व हो जाएंगे हाँ ऐसा नहीं है कि आपके जो आपके प्रोफेसर या फिर जो आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं मतलब वही आपके डाउट सॉल्व करेंगे उनसे तो आपको टाइम लेना पड़ेगा मतलब जो आपको खुद पढ़ा रहे हैं लेकिन अगर आप मतलब डाउट दर कोई भी ले सकता है तो कोई भी टीचर अगर आप तो वहाँ पे मिलेंगे ठीक है तो डाउट्स काउंटर है वहां पर और मैनेजमेंट में बात करें तो स्टूडेंट की जो काउंसलिंग की बात करें मोटिवेशन सेशन की बात करी वो भी एलन में बहुत अच्छे हैं अब ये तो हो गए कि फायदे एलन के अब इसके नुकसान भी है, देखो, देखो है तो सिर्फ तो कोटा में था, कुछ था। मे कोटा में ही है तो कोटा में वहां पर क्या ना यार कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है तो मे बी कोई बच्चा ना ऐसा नहीं होता कि मे बी अच्छा कर रहा हो लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो मे बी आप उस कॉम्पिटिशन को देख के खुद को लो फील करो खुद को डीमोटिवेट

लाख या वन कुछ समथिंग पे किया था ठीक है तो अभी की करंट फीस बताऊं तो जहां तक मैंने चेक किया था इट्स अबाउट द लीडर बैच है वहां का इट्स अबाउट वन लैख सेवेंटीड तो ये सच में ज्यादा फीस है और अगर आप एल में कोटा में जाओगे तो वहां पर जो रेंट होता है वो मेरे टाइम पे जब टू में थी तब मैंने ट्वेल्व पे किया था रूम का सिंगल रूम था मेरा ठीक है तो उसमें उस टाइम ट्वेल्व थाउजेंड पे किया था उसमें अलग से था वो खाने का बिल अलग से था और आपका एसी का बिल अलग से था मतलब जो आपका ये वाला बिल है वो अलग से था ठीक इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ये कुछ पॉइंट है कि वहां पे खर्चा कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो अब हम बात करेंगे आकाश के बारे में आजकल वैसे मेरे शॉर्ट वीडियोस देखोगे तो हर जगह आकाश 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 ही दिख रहा है सो so, हाँ मेरा सिलेक्शन आकाश रोहतक ब्रांड से हुआ था तो आकाश भी बहुत अच्छा है मेरे, मतलब मेरे लिए तो अच्छा था ठीक है अब देखो इसका वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि मे भी मेरे वो टीचर देख रहे जिन्होंने मुझे आकाश में पढ़ाया था बट यार देखो मेरा ना आकाश में ऐसा था कि मतलब चलो मैं पब्लिकली बताई देती हूँ कि ना मेरे को ना मेरे जितने भी मतलब मेरे टीचर्स थे आकाश में सारे बहुत अच्छे थे एक्सेप्ट फिजिक्स तो मुझे फिजिक्स का आकाश में बिल्कुल भी समझ नहीं आता था तो मैंने पूरे साल फिजिक्स की क्लासेस अटेंड नहीं की थी आकाश में मतलब कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है जिनमें मुझे लगता था कि हाँ इनमें मुझे डाउट है तो मैं सिर्फ उन चैप्टर्स के लिए आकाश में क्लासेस में जाती थी अदरवाइज मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए डाउट में जाती थी तो ये एक मुझे लगता है कि थोड़ा डिसएडवांटेज है आकाश में कि टीचर्स मान लो आपके मुझे जैसे फिजिक्स का समझ नहीं आता था तो मैं बैच चेंज भी नहीं करना चाहती थी पहली बात क्योंकि दूसरे बैच में मुझे इतना अच्छे टीचर्स नहीं लगे थे या फिर मेरे फ्रेंड्स भी थे सिलेबस भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आप बैच चेंज कर सकते हैं मैं भी से दूसरे बैच में अच्छे टीचर हों तो ये थोड़ा सा आप ध्यान करना काश में एडमिशन लेने से पहले कि आपके क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री बायो तो फिर भी आप एनसीईआरटी से पढ़ के खुद कर सकते हो लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री आप खुद से पढ़ के ना थोड़ा सा ना वो स्पीड कम हो जाती है तो फिर ना मेरे को ऐसा लगता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स का पहले आप रिव्यू लो कि आपके वो कैसे हैं लेकिन मेरी थैंक गॉड फिज़िक्स बहुत अच्छी थी तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा मतलब ऐसे बुरा नहीं लगा उस टाइम पर मैं तो क्लास मत मस्त मतलब मस्त तरीके से स्किप करते थे फिजिक्स की ठीक है तो ये मेरे साथ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हुआ था तो अगर आप आकाश में एडमिशन ले रहे तो प्लीज प्लीज अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर का एक बार रिव्यू लो उनसे एक बार डेमो क्लासेस लो उनसे पहले दो दिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज अपना बैच चेंज करवा लो शुरू में क्योंकि लास्ट तक सारे बैचेस का अलग अलग सिलेबस अलग अलग टाइम पे होगा तो फिर आपके लिए खुद मुश्किल हो जाएगा नए बैच में शिफ्ट करना अब हम बात करेंगे आकाश का स्टडी मटेरियल आकाश का स्टडी मटेरियल बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने ये देखा कि आकाश का स्टडी मटेरियल एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ठीक है तो वो थोड़ा सा एन से थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऊपर है एलन एज कम्पेयर टू एलन जैसे एलन का अगर डिफिकल्टी लेवल ये है तो आकाश का ये है तो अगर आप, आपके पास आकाश के मॉड्यूल हैं तो डेफिनेटली अगर आप उसको कर सकते हो ना तो आप एलन के भी मॉड्यूल कर सकते हो और आप फिर नीट का तो डेफिनेटली कर ही सकते हो तो स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है ठीक है टाइम टू टाइम आपको डीपीपी मिल रहे हैं आज आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे अलग अलग वो फॉर्मूला नोटबुक्स वगैरह भी काफ़ी चीज़ें मिल रही है पी, पी वाई की बुक वगैरह वगैरह हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था तो स्टडी मटेरियल गुड नेक्स्ट नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज तो आकाश में बहुत सारे टेस्ट होते थे यार बहुत टेस्ट अगर टेस्ट के बारे में बताऊँ ना तो आकाश इतने टेस्ट बहुत मतलब मतलब बहुत टेस्ट लेते थे यार आकाश में कभी फोर्थ नाइटली टेस्ट कभी ये वाला टेस्ट कभी वो वाला टेस्ट तो बहुत सारे आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं लेकिन इसमें एक डीमेरिट ये था कि जो सेवन ट्वेंटी मार्क्स का जो पेपर था ना वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था होने में लेकिन फोर्थ नाइटली ले टेस्ट मतलब जो हर पंद्रह दिन में आपका एक टेस्ट होता था जो कम मार्क्स वन, वन मार्क्स का मे बी मेरे टाइम में वन मार्क्स का था अब मुझे पता नहीं कितने का था तो वो तो होते रहते हैं ठीक है उनसे आप लेकिन उनमें आपकी ना रैंक मतलब यहां रैंक निकलेगी लेकिन जो आपकी जो 720 ट्वेंटी मार्क्स ए आई टी शुरू होते ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वो आपके कहीं जाकर ने, नवंबर में शुरू हो, 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 होते थे ठीक है नवंबर में शुरू होते हैं उससे पूरे इंडिया में आपको अपनी रैंक पता चलेगी तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको ऑल ओवर इंडिया अपनी रैंक पता चलेगी तो ना उस टाइम मतलब मेरे, मेरे टीचर बोलते थे कि जिसकी रैंक इन ए में वन के के अंदर आ गई ना अलग थाउजेंड के अंदर आ गई वो ये मान लें कि उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ठीक है तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि यार इस ऑल इंडिया जो टेस्ट सीरीज है ए आई टी एस जिनको हम बोलते हैं उनमें मेरी रैंक वन के, के अंडर आ जाए तो जो भी बच्चे अभी आकाश में हरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ट्राई करना की जो एआईटीएस आए ना उसमें अपनी रैंक वन के के अंदर आप ले आओ ठीक है अब हम बात करेंगे आकाश की मैनेजमेंट की तो देखो मैनेजमेंट अलग अलग जो सेंटर होते हैं उनकी मैनेजमेंट का तरीका अलग अलग है जैसे हम आकाश अगर जनकपुरी जो है उसकी मैनेजमेंट काफी अच्छी है आकाश रोहतक की मैनेजमेंट थोड़ी सी कम है क्योंकि वो स्पेस भी कम है तो डाउट काउंटर थोड़ा सा छोटा है तो आपको अलग से टीचर्स के लिए टाइमिंग लेना पड़ेगा डाउट्स के लिए वो थोड़ा सा इशू रहता है आकाश के अंदर लेकिन जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बताती रहती कि आपको देखो हर हर जगह होंगी हर कोचिंग में होगी हर टीचर में होगी हर इंसान में होगी क्योंकि क्यों ना हो यार आपके अंदर भी इतनी कमी है आप भी अपने मतलब हंड्रेड परसेंट नहीं देते हो बहुत बार बहुत बार आप भी तो अपने टेस्ट सीरीज स्किप करते करते हो हो तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप उस कोचिंग कोचिंग का कैसे यूज करते हो, हर कोचिंग के अपने एडवांटेजेस अपने डिसएडवांटेजेस होंगे लेकिन वो आपको आपको है कि आपको कि डिसाइड करना आप अपना आउटपुट कैसे निकाल सकते हो वहां से जैसे मैं क्या करती थी मुझे पता था कि भाई मुझे टीचर से टाइम लेना पड़ेगा तो मैं क्या करती थी टाइम लेने से पहले से फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है जैसे ही सर क्लास खत्म हुई क्लस सर क्लास से बाहर गई मैं अपने पांच छे डाउट्स करती थी और जो मेरे मतलब उस उस दिन के डाउट है मैं पांच डाउट आज पूछ लिए पांच डाउट मैंने कल जब सर क्लास लेते तब तो मैंने तब पूछ लिया तो इस वजह से मेरे को अलग से टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि मैं अलग से टाइम लूँ अलग से अपना टाइम वेस्ट करूँ अपने टीचर का टाइम वेस्ट करूँ तो मैं ऐसे ऐसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिया करती ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हो बाकी अगर हम आकाश के मोटिवेशनल सेशन की बात करें तो यार टीचर्स क्लास में मोटिवेट करते रहते हैं अगर हम आकाश रोहतक की बात करें तो उसमें तो मोटिवेशनल सेशन होते रहते हैं क्योंकि मैं खुद ही वहां पर जाती हूँ मोटिवेशनल सेशन अटेंड करने तो आकाश uh, में तो होते रहते हैं लेकिन जनकपुरी साइड नहीं होती मोटिवेशनल सेशन अलग से कहीं जाके uh, रोहतक में होते रहते हैं ठीक है नेक्स्ट इज अबाउट द फीस तो आकाश की फीस एल से थोड़ी सी कम है मतलब कंपेरेबल है इतना कोई डिफरेंस नहीं है कि पचास साठ हजार का डिफरेंस है वही दस बीस पच्चीस हजार का डिफरेंस होगा मैक्सिमम तो आकाश की फीस भी एल जितनी ही है नेक्स्ट कोचिंग इज पीडब्ल्यू फिर हम बात करेंगे फैकल्टी के बारे में देखो ऑनलाइन में आपकी फ़ैकल्टीज़ में भी अच्छी हो लेकिन ऑफलाइन में एल की फ़ैकल्टीज़ थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू एल और आकाश तो फैकल्टी की बात करें तो यार देखो फैकल्टी हर जैसे कि अगर आप बात करें कि पी डब्लू रोहतक वहाँ पे अलग फैकल्टी होंगी दु. पी डब्लू चंडीगढ़ वहाँ पे अलग फैकल्टी होंगी वहाँ पे अलग एल में जो कोटा है वहाँ पे अलग फैकल्टी होंगी तो फैकल्टी तो सिटीज़ टू सिटी, सिटी, सिटी वेरी करती हैं लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू आकाश एंड एज़ कम्पेयर टू एल जितना स्टूडेंट का रिव्यू है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि एलन जो पी की फैकल्टी थोड़ी मतलब मतलब डाउन है एज कंपेयर टू तो दैट कोचिंग सेंटर ठीक है और ये बात मैं कर रही हूं ऑफलाइन के बारे में ऑनलाइन में भी आपकी फैकल्टीज अच्छी हूँ ठीक है अब जो टेस्ट सीरीज़ हैं स्टडी मटेरियल हैं और बाकी हम फैकल्टी के अलावा जो स्टडी मटेरियल है और जो हम वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हैं और जो जहाँ की मैनेजमेंट हैं वो तो सब सब कोचिंग में आजकल अच्छी हैं टेस्ट सीरीज भी अच्छी हैं है पीडब्ल्यू के मैंने क्योंकि मैंने खुद देखा था और जो स्टडी मटीरियल पी डब्ल्यू का वो भी बहुत अच्छा है तो आप उसमें भी डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं नीट में कुछ तो आने की प्रोबेबिलिटी उनमें से भी रहती है और जो सबसे बेस्ट पॉइंट है पीडब्ल्यू का डैट इज़ मोटिवेशनल सेशन पीडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल सेशन होते रहते हैं तो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट तो सबसे अच्छा जो पॉइंट है फिजिक्स वाला का दैट इज फीस तो फिजिक्स वाला की फीस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग सेंटर्स तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो बच्चे जो ज़्यादा महंगे कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनके घर में इतने ज़्यादा पैसे नहीं है या फिर जो बाहर है ना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो पीडब्ल्यू की ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन की फीस भी समथिंग उसके एल की फीस है तो हाफ में ही मिल जाएगी आपको तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है पीडब्ल्यू का तो इस वजह से पीडब्ल्यू बहुत अच्छा है तो अगर आप एक लो बजट के अंदर अपना एक कोचिंग सेंटर डिसाइड करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है ठीक है आई नो कि मैंने भी रेजोनेंस मोशन और जो अनकेडमी है वो कवर नहीं किया है क्योंकि बहुत क्योंकि उनके रिगार्डिंग मुझे इतने डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो जिन कोचिंग के मुझे सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे थे मैंने उसमें वो मतलब कवर किया है अगर आपको किसी और कोचिंग के बारे में किसी और कोचिंग की सिटी के बारे में कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं डेफिनेटली हेल्प करना अपने मतलब को कॉम्पिटिटर्स को कि जो भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला इंस्टीट्यूट अच्छा है तो कमेंट से बता दो कि भाई ये वाला अच्छा है क्योंकि आपने वो चीजें देख रखी है मैंने वहाँ पे जाके चीजें देख नहीं रखी है जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी बेस्ट कोचिंग फॉर नीट उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि जो भी पूछ रहा था कि भाई लखनऊ के अंदर कैसा है उधर से कमेंट आ रहे थे कि लखनऊ के अंदर ऐसा है तो डेफिनेटली वो उससे बहुत हेल्प हो जाती है तो डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स की हेल्प करो कि भाई कहां से वो कोचिंग लें ठीक है गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बिलो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एंड द लास्ट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहती हूँ इसकी कोचिंग पे पीछे इतना मत भागो कि कौन सी कोचिंग में जाए कौन सी कोचिंग में जाए कोचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ स्टडी आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है आपको, आप कितना पढ़ सकते हो तो अपना पढ़ाई पर ध्यान दो कोचिंग पे ध्यान मत दो कोचिंग कोई भी ज्वाइन करोगे आप अपनी लोकल कोचिंग में ज्वाइन करोगे ना वहां से भी अपना सिलेक्शन निकाल सकते हो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने कोचिंग को कैसे यूज करते जो बच्चा एल चंडीगढ़ अपने मैक्सिमम फीस देकर पढ़ रहा है उसका भी मैं भी सिलेक्शन ना हो और जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर Based, उसका क्या सिलेक्शन हो जाए तो डिफरेंस कहाँ है ये डिफरेंस कोचिंग नहीं है ये डिफरेंस आपका है कि आप उस कोचिंग को कैसे कर रहे हो आप अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो तो पूरे साल अगर ड्रॉप कर रहे हो या फिर अगर आप फ्रेशर भी हो तो प्लीज ये डिसाइड कर लेना कि भाई मुझे इसी साल सिलेक्शन लेना है। मुझे पढ़ना है अगर आप उस माइंडसेट से पढ़ाई करोगे ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ज्यादा कोचिंग के पीछे अपना सिरदर्द मत करो कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो जिसको भी आपको लग रहा है कि इसका रिजल्ट अच्छा है उस कोचिंग को ज्वाइन करो और वहां पे एडमिशन लो ऑल द बेस्ट कीप स्टर्डिंग और कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट एनी टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल द बेस्ट